आदिया, मुझे बात क्लियर करने का मौका तो दे दो। ये आप ठीक नहीं कर रहे। मैंने आपने जो किया ठीक किया। तो कुछ किया ही नहीं है। मैंने मामा को कभी हाँ नहीं किया सारा के लिए। पता नहीं वो क्या समझ लेती हैं। ताईजान बेवकूफ नहीं है और ना मैं पागल हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा डबल गेम खेल क्यों रहे हैं। अगर अगर आपको सारा पसंद है तो मुझे से कोई एतराज नहीं है। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लगता है मैं ही सिर्फ मोहब्बत करता हूँ आपसे, आप नहीं। यही समझ ले। नहीं, मुझे पता है आप बहुत ज्यादा मोहब्बत करती हैं। शायद जितना मैं करता हूं उससे भी ज्यादा, इसलिए आप इतनी नाराज हैं। आप मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चल सकते। मेरा रास्ता बहुत मुश्किल है, कांटों से भरा हुआ, सहरा की तरह तपता हुआ। आप थक जाएंगे। साथ चलने का इरादा किया है तो मंजिल तक न पाऊंगा। मंजिल? मेरी तो शायद कोई मंजिल भी नहीं है। अगर दिल न माने तो तुम छोड़ जाना, बड़े शौक से दिल मेरा तोड़ जाना। मैं सार से शादी नहीं कर सकता। आप प्लीज चाचू और चाची को बताएं। सोहेब, ये तुम क्या कह रहे हो? क्यों अपनी माँ को आजमाइश में डाल रहे हो? मैं शौकत और समीना को इनकार नहीं कर सकती। आप समझ क्यों नहीं रहे? तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? What's wrong with you? तुम्हारी और सारा की तो इतनी अंडरस्टैंडिंग थी, बचपन से तुम दोनों की कितनी बनती थी। कोई काम तुम लोग एक दूसरे के बगैर कुछ नहीं करते थे। अब क्या प्रॉब्लम हो गई है? मामा, दोस्ती और मोहब्बत में फर्क होता है। अरे बेटा, जब इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो मोहब्बत भी हो जाएगी। मेरा और सारा का मिजाज बिल्कुल अलग है। हम एक दूसरे से कभी खुश नहीं होंगे। देखो बेटा, मैं जानती हूँ तुम्हारा और सारा का मिजाज अलग अलग है, लेकिन इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग तो है ना। कामयाब जिंदगी गुजारने के लिए जरूरी नहीं होता कि मियाँ बीवी के मिजाज एक जैसे हों। एक दूसरे को समझना ही बहुत बड़ी बात है। मैं किसी और को पसंद करता हूँ। मामा वो बस तुम किससे पसंद करते हो, तुम किससे पसंद नहीं करते। मैंने तुम्हारा रिश्ता सारा के साथ तय कर दिया है, एंड दैट्स इट। हज़ोए, तुमने तो हमेशा मेरी हर बात को खुशी खुशी माना है। अब तुम्हें मेरे फैसले पे एतराज क्यों है? हाँ बोलो। पूरी जिंदगी का मामला है मामा। तो मैं तुम्हारी जिंदगी में कुछ नहीं लगती? माँ हूं मैं तुम्हारी। तुम्हारे लिए क्या अच्छा, तुम्हारे लिए क्या बुरा है मुझसे बेहतर कौन जानेगा। मुझसे अब बहस मत करना। आई डोंट वॉन्ट टू डिस्कस दिस टॉपिक एनी मोर। ओके, क्या हो मामा, सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ जोहेब, मुझे लगता है आपको ताईचान की बात मान लेनी चाहिए। कौन सी बात? ज्यादा बनने की जरूरत नहीं है। आपको पता है मैं किस चीज के बारे में बात कर रही हूँ। मुझे लगता है आपको सारा के लिए हाँ कर देनी चाहिए। आपने मामा को कुछ कहा है? मैं नहीं चाहती मेरी वजह से
इस घर में कोई नया तूफान आए, सबको खुश देखना चाहती हूँ। आई थिंक इस घर की और सबकी खुशी इसी में है कि आप सारा के लिए हाँ कर दें। क्या है यार, सबको इस घर की खुशी की परवाह है, मगर इस बात की फिक्र नहीं है कि मैं खुश हूँ या नहीं। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। मैं कब से मामा को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं सारे से शादी नहीं कर सकता, लेकिन वो समझ ही नहीं रही। आप भी ये चाहती कि मैं अपनी खुशियों का गला दबा दूं और कि मैं सारा के लिए हाँ कह दूं? हाँ। क्या आप दिल से कह रही हैं? मेरी तरफ देखकर बोलो। मैंने जो कहना था मैं कह चुकी हूँ। अब मैं उम्मीद करती हूँ आप मेरी बात का मान रखेंगे। आपकी तरह पागल नहीं हूँ, मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करने की जरूरत नहीं है। आपसे मोहब्बत करता हूँ, सारा से नहीं, मैं किसी के कहने पे सारा से शादी नहीं कर सकता। I'm sorry। मेरे दिल से पूछो के तुम मेरे क्या हो, मेरे दिल से पूछो के तुम मेरे क्या हो, मेरे दिल से पूछो के तुम मेरे क्या हो। हाँ भाई चलो सारा। भाभी सारा कहाँ है? वो भाभी आपके साथ ना सारा नहीं जाएगी, हादिया जाएगी। हादिया ने मुझे कहा था सब कुछ चीजें लेनी है, इसलिए मैंने सारा को मना कर दिया। ठीक है, मैं गाड़ी में बैठ रही हूँ, उसे जल्दी भेजो। जी मैं भेजती हूँ। हादिया फौरन आ जाओ, तुम्हें भाभी के साथ जाना है। जी छोटी मामा। अच्छा सुनो, भाभी को नहीं पता ना कि मैंने तुम्हें जाने के लिए कहा है, वो अगर पूछे तो तुम कह देना तुम्हारे अपना कोई काम है। सुन रही हो मैं तुम्हें क्या कहा है? अब जल्दी आओ ना। जी छोटी मामा मैं यही बोल दूंगी। ये क्या कह रही हैं आप? कहाँ हैं आप लोग? हादिया का? मैं जुहैब से बात करता हूं। ओके भाई। बहुत दर्द हो रहा है? नहीं मैंने पेन किलर ले लिया है। पागल हैं आप, क्या करती रहती हैं? अगर आपको कुछ हो जाता तो? मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक हो? सर पे चोट लगी है, हाथ पे चोट लगी है, और मामा ये भी बता रही थी कि कितना खून जाया हुआ है, और आप ये कह रही हैं कि आप ठीक हैं? रुको मैं देखता हूँ। किसका फोन है? नानी अम्मा का। नाना को कुछ मत बताइएगा, बहुत परेशान हो जाएंगी। जितनी फिक्र आप दूसरों की करती हैं, आप प्लीज थोड़ी अपनी भी कर लिया करें। क्या करूं, फोन उठाऊं? नहीं आप रहने दें। आपने सुपिया है? नहीं मैं पी लूंगी। प्लीज मेरे सामने पी लें। मैं थोड़ी देर में पी लूंगी। प्लीज पिला देता हूं। बस इजाब ये दवाई की तरह पिए, मुझे पता है अच्छा नहीं होगा मगर थोड़ा सा पीना होगा।
मामा आप ही तो कहती है ना, जो किस्मत लिखा होता है वो होकर ही रहता है। किसी ने ठीक कहा है, खून आखिर खून ही होता है। मैंने कितना हादिया को बुरा भला कहा, नफरत करती थी मैं उससे, तो आज उस बच्ची ने अपनी जान पर खेल के मुझे बचाया। मुझे मैं शायद उसका ये एहसान तुम नहीं उतार सकोगी, लेकिन अल्लाह जरूर उसकी नेकियों का सिला देगा। अभी बहुत एहसास करने वाली लड़की है आदिया। उसकी नानी ने वाकई बहुत अच्छी तरबियत दी है उस बच्ची को, जीती रहे वो। मामा मैंने आपको बताया था ना, मैं सारा को नहीं बल्कि किसी और लड़की को पसंद करता हूँ। हाँ लेकिन आप जानती हैं वो लड़की, वो हादिया ही है। आप जानती हैं वो लड़की, वो हादिया ही है।